हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति अपना सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे अमुक जगह ले चलो। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपए लेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 200 रुपए लोगे? आप तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर ले चलूंगा। वह व्यक्ति काफी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद फिर उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर से टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली है, तो अब आप कितने रुपए लोगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, 400 रुपए। उस आदमी ने फिर कहा, पहले 200 रुपए थे, अब 400 रुपए ले रहे हो, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय आप इतनी देर से अपनी मंजिल की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि वह जगह तो दूसरी ओर है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह जिंदगी के कई मुकाम पर हम बिना किसी चीज को गंभीरता से सोचे सीधे अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें कि जो भी आप कर रहे हैं वह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में ले जा रहा है भी या नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।